आपका दोस्त यश। तो आप लोग सब कैसे हो? एक मिनट, कुछ ट्रेंडी स्टाइल में। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो, केड़ो हाल है? सब सुठो? ये थोड़ा सिंधी टच। तो मेरा तो ये मानना था कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कई लोग काफी है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, आर्मी मैन्स, उनको तो पहले मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते हैं, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ एक्साइटमेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक कनेक्शन बनाया जाए, एक क्यों ना चैनल फैमिली बनाई जाए। तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है, बैठे बैठे क्या करें, मचाए क्यों कोराम, शुरू करें रेसिपी लेके प्रभु का नाम। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ मिलके बनाने वाला हूँ नारियल के लड्डू विद अ ट्विस्ट। बिगिनर्स, मेरी छोटी छोटी बहनें, इन सब के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है। किसी को मिठाई बनाने का बहुत शौक हो पर कभी ट्राई नहीं किया हो तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है। तो इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो इंग्रेडिएंट्स में है, यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, अने गुजराती में आपणे शुं कहीए, सलोनी कोपरू। साथ में है ये कंडेंस मिल्क यानी कि मिठाई मेड, चपटी इलायची जिससे थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो, और इलायची मिठाइयों में वैसे भी अच्छी लगती है। और ट्विस्ट ये है कि हम इसमें गुलकंद को स्टफ करेंगे। तो बनाना शुरू करें। सो टू स्टार्ट विद, हम लेंगे एक बोल, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि 200 ग्राम हमको डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लेना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेजर करके भी ले सकते हैं। मैंने 200 ग्राम यहाँ पे लिया है, ये हम डालेंगे इस बोल में। साथ में इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क हाफ कप, इससे सच में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इसमें और कोई ट्विस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बता सकते हैं। पिंच ऑफ इलायची जो मैंने यहाँ पे फ्रेशली ग्राउंड की है, आपके पास अगर इलायची पाउडर रेडीमेड अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है, ये कंसिस्टेंसी का डो रेडी होना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, एक दो चम्मच जितना, और ताकि तुम इसको अच्छे से बना सको। अब हमारा ये मिक्सचर प्रॉपरली रेडी हो चुका है, तो शुरू करें। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, इसको हमें बहुत ही ध्यान से बनाना रहेगा। डालेंगे आज का ट्विस्ट यानी कि गुलकंद। ये गया हमारा गुलकंद इसके अंदर। गुलकंद की स्मेल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। गुलकंद अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग भी कर सकते हैं, इतना वेरिएशन चलेगा, बट एक बार ट्राई कीजिएगा, गुलकंद के साथ सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत डेलिकेट रहते हैं, इसको आराम आराम से बनाइए। ये हमारा गुलकंद अच्छे से स्टफ हो चुका है, अब बारी है इसको एक शेक।
यार। अब हम इसको थोड़ा सा टेम्पिंग लुक देंगे। आइए बताता हूँ कैसे। इसके लिए मेरे पास है ये कलर वाला डेसिकेटेड कोकोनट। इसको मैंने घर ही बनाया है। कोकोनट में मैंने थोड़ा सा ड्राई पाउडर मिलाया है, कलर पाउडर, जिससे कि एक लुक में अच्छा दिखे और टेम्पिंग भी लगे। तो कोट कर दें, बाकी के भी मैं बना देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग और स्वादिष्ट मेरे लड्डू तैयार हो चुके हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसको कुछ जरूर नहीं, पर हम फिर भी हल्का सा गार्निशिंग कर लेते हैं। आई गेस आप लोग का देख के ऐसे मुंह में पानी आ रहा होगा, आप जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तैयार है हमारी ये डिश, देखिए। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की टेम्प्टिंग स्टफ्ड नारियल के लड्डू। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा खोल के बताइएगा। तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी तो हम कनेक्टेड रह पाएंगे। तो इसे ट्राई करना भूलिएगा नहीं। और बहनों से ऐसे कह सकते हैं कि आप रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए मिठाई बना के उन्हें खिला सकते हैं। अगर किसी ने कभी कुछ नहीं बनाया तो सरप्राइज करो, और अगर जिसको आता है उसके लिए तो बहुत ही सिंपल काम है, बस चीज़ों को मिलाना है और अपने हाथों से ये अच्छा अच्छा बनाना है। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन हंग्री ऑलवेज, और मुझे बताइएगा कि हम और आपको क्या क्या सीखना है। सब्सक्राइब करना ना भूले, और राइट हैंड कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे है, और मेरे साथ जुड़े रहिए हंग्री ऑलवेज से। सेहत भी, सही भी, और सुरक्षा भी। थैंक यू।